तीन प्रकार के होते हैं भैया, दमान, दमदुल्ली और पिसमिल्लू। दमान वो होते जो एक या डेढ़ साल बाद ससुराल जाए, जाए बढ़िया। हाँ मानती ना, चलो घरे, चलो छोड़ गया। दमान वो होते जो एक डेढ़ साल बाद ससुराल में जाए, जाए बढ़िया वीआईपी सम्मान करो जाए, और चलते टाइम 1100 या 2100 रुपया दे जाए, देसी घी की पूड़ी बनाए खवाई जाए, वो तो है दमान। और दमदुल्ली कुसमरा या रामनगर को बाजार करवे घुमाए और मनपुरा में ढाड़े। नहीं नहीं बंटी भैया कभी नहीं आते, उनकी बुराई ना करो, बड़े भोले भाई हैं। और भैया जो थर्ड क्वालिटी के होते ना, बे समझ लो ससुराल में बस जाए, वो नाम ही ना ले। तो ससुराल में अगर जाओ ना तो कायदे से, जैसे शादी विवाह है ना, तो रात भर भरना रुको, माई समझते दो घंटा रुको, जो कोई जाने आए हो तो कोई जाने नहीं आए और चले जाओ, तो सम्मान पूर्ण होगा और कम से कम देख वेख ले याद होगा तो आवेगो ही आवे। हाँ फलाने के दमान आए रोज फोन जाओ ना, हमारे पापा जैसे रोज 24 घंटे रेफर हो जाओ, रोज फोन जाओ ना, सम्मान तो ही है। बोलिए गोविंद भगवान। तो ससुराल में पहुंची बैठी देवियारिया, जो बूढ़े बाड़े देखे पति, पिता से बोली बाबुल हमारे पति जैसे पहले हटे ना वैसे ही बनाए दे। हाँ शुक्राचार्य बोले हमारे तो घर की खेती है ना, जब मन करो तो जवान, जब मन करो तो बुढ़ापो। अरे अगर जवानी नहीं मिल सकती, अगर इनका कोई हितू नातेदार रिश्तेदार इन्हें जवानी दे दे बुढ़ापा ले ले तो जवानी वापस आ सकती है। सबने मना कर दिया और महाराज सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने जवाब दिया बाबुल आपसे ही लड़कपन मिला, आपसे ही जवानी, तो ये जवानी किस काम की, आप ले जाओ। जवानी लेकर के राजा कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत किया और उसके बाद में जवानी लौटा दी बुढ़ापा लेकर के भगवान का भजन करने के लिए चली गई। ये वंश आगे बढ़ा, इसी वंश में बुजुर्गों विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन आता है। जो विदर्भ देश के राजाओं का वर्णन दिया गया है, जिनमें कथा आती है कि जो ये उग्रसेन थे ये किसके बेटे थे, ये विदर्भ देश के राजाओं में एक बहुत अच्छे राजा हुए जिनका नाम था आहुक। क्या नाम था? आहुक। महाराज राजा आहुक के दो बेटे हुए जिनके जो बड़े बेटे हैं उनका नाम है उग्रसेन और जो छोटे हैं उनका नाम है देवक। वैसे ये तो बात सत्य है कि जो कंस था उग्रसेन का बेटा,